फिल्म की शुरुआत एक कार दुर्घटना से होती है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जिन्हें उस कार से यूरेनियम मिलता है, जिसके कारण पुलिस कार चलाने वाले रैमिरा को धर लेती है। ये सारी चीजें दरअसल 2002 में घट रही थी, जिसके बाद हमें कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें मुस्लिम्स अमेरिका का झंडे जलाते हुए उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। पुलिस रैमिरा को कस्टडी में लेकर बहुत मारती है और एक इंजेक्शन भी लगाती है जिसे यदि एक मिनट में उसने सच्चाई नहीं बताई तो रैमिरा मारा जाएगा, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। पर एक मिनट बाद भी वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिस पर उन्हें यकीन ही नहीं होता। दूसरी तरफ CIA एजेंट फिशर पुलिस को उसका ब्लड सैंपल लेने को कहता है और रिपोर्ट आने के बाद फिशर को पता चलता है कि रैमिरा के शरीर में कई सारे नैनो डिवाइस लगे हैं, जिस पर फिशर को समझ नहीं आता कि ये इंसान है या मशीन। रैमिरो कैमरा पर इशारा करते हुए फिशर से एक पेन और पेपर मांगता है और अब वो पेपर पर कुछ लिख कर देता है। फिशर कहता है कि शायद इस्लामिक डेट्स है, इस्लामिक साल के अनुसार अभी 1433 चल रहा है और इसने आज से 140 साल तक की जानकारी लिखी है। सबसे पहले डेट के अनुसार आज कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और उनके चेक करने पर ऐसा ही होता है, जिस पर फिशर को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद रैमिरो एक टाइम ट्रेवलर है। इसके बाद सीन 15 साल बाद 2017 पर मुड़ जाती है, जहां एक CIA एजेंट कैरमन को फिशर का वीडियो कॉल आता है। दरअसल फिशर अपनी पत्नी और बेटी की मृत्यु के बाद कैरमन के साथ रिलेशनशिप में था। फिशर कहता है कि तुम्हारी छुट्टियां खत्म कर दी गई है, तुम्हें फिर से काम पर आना होगा। मैंने तुम्हें एक डिश दी है जिसमें रैमिरा के बारे में कुछ जानकारी है। हमें लगता है कि वो टाइम ट्रैवलर है। मैंने उस पर 15 साल रिसर्च किया और उस पर रिसर्च करते करते मैं खुद पागल हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद कैरमन वहाँ से प्रिजन आती है, जो पूरे US में सबसे एडवांस था, जहाँ एक ऑफिसर विलियम कैरमन को कार्ड देता है जिससे वो किसी भी कमरे में जा सकती है। अब कैरमन को जिम नाम का एक ऑफिसर फिशर के कमरे में लाता है, पर फिशर दरवाजा नहीं खोलता, जिसके कारण कैरमन कार्ड की मदद से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। पर वहाँ कोई नहीं होता और जब वो बाथरूम के पास जाती है तो वो नजारा देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ फिशर ने आत्महत्या कर ली थी। आप सभी वहाँ आ जाते हैं और जेफरन कैरमन से कहता है कि फिशर कुछ दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा था, जिस पर कैरमन कहती है कि उसने मुझे वीडियो कॉल पर मदद के लिए कहा था। कैरमन अब रैमिरो की फाइल पढ़ने लगती है, जिसके बाद हमें फिर से 2002 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ फिशर रैमिरो से कहता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो और तुम यहाँ अकेले नहीं आए होंगे, तुम्हारे साथ और कौन आया है। जिस पर रैमिरो कहता है कि मैं यहाँ अपने लीडर अब्राहम के साथ आया हूँ, जिस पर फिशर कहता है कि क्या तुम यहाँ पास्ट को बदलने आए हो। पर रैमिरो जवाब देता है कि तुम पास्ट बदल नहीं सकते, पर नया जरूर बना सकते हो। पर कुछ बताने से पहले मेरी कुछ डिमांड है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें और जानकारी दूंगा। पर फिशर कहता है कि कुछ झूठे नाम बताकर तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। तभी अचानक रैमिरो को दौरा पड़ता है और वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो फिशर से कहते हैं कि रैमिरो मर चुका है। पर तभी वो फिर से जीवित होकर फिशर से कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग थी और फिर से वार्निंग देने के लिए मैं जीवित नहीं होऊंगा। अब सीन 2015 की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ कैरमन जिम से फिशर के बारे में सवाल करता है, जिस पर जिम कहता है कि उसने 2 दिनों से किसी को हाय तक नहीं किया। पर कल रात जब मैं उसके कमरे से गुजर रहा था तो वो किसी से फोन पर झगड़ा कर रहा था। कैरमन फिशर की फोन रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें कोई साइंटिस्ट फिशर से बोल रहा होता है कि हमने सारी कोशिश की पर हमें इक्वेशन नहीं मिला, लगता है हमें प्रोजेक्ट सिग्मा बंद करना पड़ेगा। कैरमन अब तुरंत रैमिरो से मिलता है और रैमिरो से फिशर के बारे में पूछता है, जिस पर कैरमन कहती है कि वो मर चुका है। पर यह सुनकर रैमिरो के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, जिस पर कैरमन उससे सवाल करती है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हो। पर अब रैमिरो पहले में जवाब देता है कि ये दुनिया एक सपने की तरह है, क्या तुम सपनों में भी डरोगे। कैरमन अब कहती है कि मैं कुछ समय पहले इराक गई थी न्यूक्लियर हथियार की जानकारी निकालने, पर वहाँ विरोध शुरू हो गया, मेरे पास कुछ विरोधी आए जिन्हें मैंने बहुत टॉर्चर किया, पर उनके भी शरीर तुम्हारे जैसे ही थे, जितना भी मारो दर्द नहीं होता। पर मुझे एक लड़की मिली थी जो कश्मीर की एक नदी के बारे में बता रही थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। रैमिरो इस पर जवाब देता है कि नैनो डिवाइस लगाना हमारी दुनिया में साधारण है। कैरमन फिर कहती है, तो क्या अब्राहम इराक में नहीं है, जिस पर वो बोलता है कि इराक के बारे में तुम लोगों ने मुझे बताया है, मैंने नहीं कहा कि अब्राहम इराक में है। तभी कैरमन को जेफरसन बुलाता है, वो उसे
से एक डिवाइस दिखाता है जो मुंबई में हुए एक धमाके से मिली थी और ऐसा ही डिवाइस से एक पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। कैरमेन उसे लेकर रेमरे के पास आती है जो उसे कहता है कि ये खतरनाक नहीं है। वो उसे अपने हाथ में लेकर गायब कर देता है जिसे देखकर कैरमेन को यकीन नहीं होता, जिस पर रेमरे समझाता है कि ये दरअसल यही पर है, बस ये समय से थोड़ा आगे चला गया है इसलिए तुम्हें दिखाई दे नहीं रहा। जिसके बाद वो डिवाइस फिर से वापिस आ जाती है। रेमरे बताता है कि इसकी आवाज ही इसे एक पोर्टल टाइम मशीन बनाने में मदद करती है। जिसके बाद हमें 2016 की टाइमलाइन दिखाई जाती है जहां फिशर घबराते हुए कैरमेन से कहता है कि मैंने जोनाथन को देखा जो मुझसे मदद मांग रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पाया और समय भी कुछ नहीं है, बस आंखों का धोखा है। जिसकी बातों से कैरमेन समझ जाती है कि फिशर किसी असाइनमेंट पर काम कर रहा है जिससे वो थोड़ा परेशान है। फिर तभी टीवी पर एक खबर आती है कि न्यूयॉर्क के इंडियन पावर पॉइंट पर धमाका हुआ है जिसके कारण सभी लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये खबर देखकर कैमरन परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बहन भी वहीं रहती थी। जिसके बाद हमें 2017 का समय दिखाया जाता है जहां कैमरन फिशर के कमरे में जांच करने आती है, जहां से उसे कुछ निशान मिलते हैं मानो किसी ने फिशर की जान ली। वहां की फिंगरप्रिंट की जांच करने पर वो फिशर की ही थे। कैमरन अब कहती है कि अब्राहम का कोई एजेंट इस ऑफिस में है। वहीं अब रात को रेमरो कोई मंत्र पढ़ने लगता है जिससे कैमरन को अजीब सपने आते हैं जिसमें वो अपने मृत बहन को देखती है, जिसके शौक में वो जाकर कमरे से बाहर आ जाती है। पर बाहर आने पर उसे और भी अजीब विजन्स नजर आने लगते हैं और तभी उसे जिन भी दिखाई देता है जो कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक रूम में जाकर वापिस आ जाता है। कैरमेन अब विलियम से सीसीटीवी फुटेज मांगती है पर विलियम कहता है कि हर रोज 10 सेकंड के लिए कैमरा रीसिंक होता है जिसके कारण कैमरा बंद रहता है। कैरमेन अब उसे जिम पर नजर रखने को कहती है, जिस पर विलियम कहता है कि कल रात जेफरसन किसी से बात कर रहा था जिसके बाद उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कैरमेन अब उसे पता लगाने को कहती है कि वो किससे बात कर रहा था। इसके बाद सीन अब 2002 की तरफ मुड़ जाती है जहां रेमरो फिशर से कहता है कि मैं एलमेस से हूं जो अभी इस दुनिया में बना तक नहीं है। जब एल्बेनिया ने यूएस से आजादी के लिए युद्ध किया तब एलमेस बर्बाद हो गया और यूएस ने बाकी मुस्लिम शहर को एक दूसरे में लड़ाकर उन्हें बर्बाद होते हुए देखा। रेमरो फिशर को एक पेपर पर कुछ फॉर्मूला लिखकर देता है जिससे उसे टाइम ट्रेवल को समझने में आसानी होगी। फिशर अब रेमरो से पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन आया था और किस जगह आए थे, जिस पर वो जवाब देता है कि सितंबर 9, 1999 को मैं और मेरे 99 साथी कश्मीर के एक नदी के पास आए थे क्योंकि मेरे समय में टाइम मशीन कश्मीर में थी। हमने सबसे पहले एक टेस्ट डिवाइस को भेजा था जिसे हमने कुछ समय बाद उजागर होने के लिए सेट किया था और जिस समय पर हमने सेट किया था वो उसी समय उजागर हुआ। जिस पर फिशर कहता है कि शायद ये तुम्हारी चाल तो नहीं है कि जहां तुमने धमाका करना है वहीं अपनी टाइम मशीन से एक बॉम्ब डाल दोगे और जिस दिन तुम्हें धमाका करना है उसे उस दिन के लिए सेट कर दोगे तो वो उस दिन और उसी समय धमाका करेगा और तुम आसानी से अपना टारगेट भी चुन सकते हो क्योंकि तुम फ्यूचर से आए हो इसलिए तुम जानते हो कि कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। ये सारी चीजें 2017 में कैरमेन और जेफरसन वीडियो के जरिए देख रहे थे। कैरमेन अब कहती है कि अब्राहम एक पोर्टल टाइम मशीन बना रहा है जो कि वो अजीब डिवाइस है, पर रेमरो ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो एक टाइम मशीन है। अब रेमरो हमें नहीं बताता तो हमें कभी नहीं पता चलता कि अब्राहम क्या करना चाहता था। शायद वो यहाँ किसी पर्पस से आया है या फिर यहाँ खुद अपनी मर्जी से रुका है। जेफरसन अब कहता है कि रेमरो हमें जहां भी भेजता था हमें वहां कोई ना कोई ऐसा मिलता था जो वही सारी चीजें बताता था जो हमने सुना था। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे इंसान मशीन है या बस हमारे हेलुसिनेशंस, और जिससे तुमने बात की थी शायद वो भी रियल नहीं होगा, बस तुम्हारा हेलुसिनेशन हो सकता है। फिर तभी कैरमेन को विलियम फोन करके बताता है कि जेफरसन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात कर रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग उसने डिलीट कर दी। अब कैरमेन जेफरसन को सच बताने को कहती है जिस पर वो कहता है कि रेमरो फिशर से जो कहता वो उसे मानने लगता था, मानो फिशर रेमरो के वश में हो। जिस पर कैरमेन कहती है कि शायद रेमरो ने फिशर को कुछ ऐसी चीज बताई है जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और किसी अनजान इंसान ने फिशर के कमरे में आकर कुछ ऐसा कहा जिससे उसने अपना हालत पर नियंत्रण खो दिया जिसके कारण ही उसने खुद की जान ले ली। अब रात को कैरमेन एक ऑफिसर से कहती है कि शायद अब्राहम इंडिया में नहीं है, हमें मुंबई से एक खतरनाक डिवाइस मिला है पर हमें अब भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर तभी कुछ अनजान लोग ऑफिसर के कमरे में आ जाते हैं और सिग्नल अपने आप लॉस्ट हो जाता है।
जर्मना फिर से रेमुरे की फाइल पढ़ने लगता है और अब रेमुरे के पास आकर वो कहती है कि तुम कश्मीर में जहाँ उतरे थे वहाँ की जमीन आज तक मैग्नेटाइज है, पर वहाँ के लोकल लोगों को कोई भी अनजान चीज का अनुभव नहीं हुआ। जिस पर रेमुरे बताता है कि हम सभी पहाड़ों के किनारे पाकिस्तान गए और इराक में जाकर बट गए थे। कैरमन अब कहती है कि तुम्हारे ग्रुप ने तुम्हें धोखा दिया, कोई भी इराक में नहीं आया था। मैंने जिस लड़की के बारे में कहा था वो भी झूठ था, ताकि तुम सच्चाई बता सको। तुमने इराक और पाकिस्तान के लोगों को यूएस के विरोध कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने इब्राहिम को रहने की जगह दी ताकि वो यूएस पर हमला कर सके। पर पाकिस्तान को डर था कि अमेरिका ने जिस दिन लादेन को मारा वैसे ही इब्राहिम को भी मार सकते हैं, तो अब कौन इब्राहिम को जगह दे सकता है। जिस पर रेमुरे कहता है कि इंडिया, क्योंकि वो डिवाइस तुम्हें इंडिया से मिला था। जिस पर कैमरन कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो डिवाइस हमें इंडिया से मिला था। रेमुरे बताता है कि मेरे पास और भी जरिए हैं पता लगाने के लिए। कैमरन अब समझ जाती है कि इब्राहिम का कोई साथी इस फैसिलिटी में है जो रेमुरे को जानकारी देता है, और जो धमाका न्यूयॉर्क के इंडिया पावर पॉइंट में हुआ था वो भी इब्राहिम का करवाया था, जिसमें उसकी बहन मारी गई थी। इसलिए वो गुस्से में रेमुरे को बहुत मारने लगती है। पर वहाँ जिम और जेफरसन भी आ जाते हैं। जेफरसन उसे दूसरे कमरे में लेकर आता है, जहाँ कैरमन उस पर इल्जाम लगाती है कि या तो तुम जिम या इब्राहिम के एजेंट हो। पर जेफरसन बचाव में कहता है कि जिम इलेक्ट्रिक रूम वायरिंग ठीक करने गया था और मेरी बेटी एयरफोर्स में है और मैंने उसकी रक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस को फोन किया था। जिसके बाद अब जेफरसन कैरमन को इस केस से निकाल देता है, और तभी कैरमन को एक ऑफिसर फोन करके कहता है कि तुमसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं। आप कैरमन जब प्रेसिडेंट से मिलती है तो प्रेसिडेंट उसे एक रिपोर्ट देकर कहते हैं कि हमें पता चला है कि इब्राहिम और उसके आदमी किसी के भी दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं और हेलुसिनेशंस भी दिखा सकते हैं। और जिस दिन इंडिया पावर पॉइंट पर धमाका हुआ था उस दिन फिशर छुट्टी पर था, शायद इब्राहिम का एजेंट फिशर था। कैरमन अब कहती है कि मुझे भी विजन आने लगे थे और रेमुरे ने फिशर से कुछ कहा था जिससे वो परेशान रहने लगा और उसके कमरे में आने वाला अनजान इंसान और कोई नहीं शायद उसका मृत बेटा जोनाथन था, जो रेमुरे के हेलुसिनेशंस के कारण आया था। उसने फिशर को सारी चीज का जिम्मेदार बनाया था, जिसने फिशर की जीने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। प्रेसिडेंट अब कैरमन को इस केस की पूरी अथॉरिटी दे देते हैं, और कुछ समय बाद जेफरसन कैरमन के कमरे में आकर टीवी ऑन करवाता है और खबर से पता चलता है कि रशियन पर भी हमला हो गया है और अब अगला निशाना यूएस है। जिसके बाद तभी अलार्म बजने लगता है और ऑफिसर कैरमन को फोन करके कहता है कि यूएस पर भी हमला होने के कारण पूरी फैसिलिटी को लॉकडाउन कर दिया गया है। सभी फैसिलिटी के अंदर यूएस को बर्बाद होते हुए देखते हैं। जिसके बाद जिम रेमुरे के कमरे में जाता है, जहां रेमुरे जिम से सवाल करता है कि क्या तुम्हारा परिवार ठीक है, इंडिया ने अपना बदला ले लिया जो उनके पावर पॉइंट के साथ हुआ। पर अब जिम गुस्से में रेमुरे पर गन तान देता है और उसे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब जो लोग बचे वो बाहर फैले हुए पॉइजन से मर रहे हैं। पर तभी वहां कैरमन भी आ जाती है और एक ऑफिसर जिम को गन नीचे रखने को कहता है, पर जिम रेमुरे पर गन चलाने ही वाला था कि वो ऑफिसर जिम को शूट कर देता है। कैरमन अब रेमुरे से कहती है कि तुम यही चाहते थे ना कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि कोई इब्राहिम नहीं था और ना ही तुम्हारे साथ कोई 99 साथी थे, सिर्फ तुम अकेले आए थे अपने समय से, तुम्हारे पास बस कुछ मंत्र थे जिससे तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते थे, जिसका फायदा उठाकर तुमने इराक पाकिस्तान और इंडियंस को भड़काया कि यूएस उन्हें बर्बाद करना चाहता था, जैसा तुम्हारे समय में यूएस ने किया। तुम यूएस का नामो निशान मिटा देना चाहते थे ताकि तुम्हारे समय में ना यूएस रहेगा ना तुम्हारे शहर बर्बाद होंगे। जिस पर रेमुरे कहता है कि तुम बहुत ही होशियार हो, मगर फिशर नहीं था कि मैंने हर चीज के लिए उसका प्रयोग किया, मैंने उसे बस सच्चाई बताई थी कि यूएस बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे कारण, और बिना कुछ सवाल किए वो मेरी बात मान गया। जिस पर कैमन समझ जाती है कि इसी के कारण फिशर ने आत्महत्या की। आप सभी रेमुरे को फैसिलिटी के बाहर भेजने जाते हैं ताकि वो पॉइजन से मारा जाए, पर रेमुरे कैरमन को टाइम मशीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर रेमुरे कहती है कि तुम मुझे पहले इक्वेशंस बताओ ताकि वो फिशर का प्रोजेक्ट सिग्मा जिसमें वो टाइम मशीन बनाना चाहता था उसे पूरा कर सकूं। तभी रेमुरे कहता है कि मैं इक्वेशन भूल गया, पर कैरमन उसे 15 सेकंड का समय देती है, नहीं तो वो उसे बाहर छोड़ देगी। इसलिए अंत में रेमुरे उसे इक्वेशन लिख कर दे देता है, पर अंत में कैरमन मुकर जाती है और वही घबराहट में रेमुरे के अंदर
मदर की नैनो डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब जब जेफरसन और कैमन बाहर आते हैं, जेफरसन कहते हैं कि क्या ये सब नकली था, क्योंकि बाहर कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही कोई पॉइजन हवा में है। जिस पर कैमन कहती है कि ये मेरा और प्रेसिडेंट का प्लान था, ताकि रेमिरो की सच्चाई सामने आ सके। जेफरसन अब कैमन का शुक्रिया करके फिर से फैसिलिटी में आ जाता है और कैमन अपनी कार में आकर अपनी बहन को याद करते हुए रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।